नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज का हमारा ये क्लास है कोकोनट पे। तो चलिए थोड़ा सा कोकोनट के बारे में स्टडी कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, जान लेते हैं कि कोकोनट ये नारियल होते हैं। तो नारियल का जो बॉटेनिकल नेम क्या होता है ये देख लीजिए आप लोग। नारियल का बॉटेनिकल नेम होता है कोकोस न्यूसीफेरा, ठीक है, कोकोस न्यूसीफेरा। इसका क्या होता है बॉटेनिकल नेम होता है, और इसकी फैमिली होती है एरिकेसी। इसकी फैमिली क्या होती है एरिकेसी होती है। इसका क्रोमोजोम नंबर भी मैंने यहाँ लिख रखा है, देख लीजिए 32 होता है। इसका क्रोमोजोम नंबर कितना होता है 32 होता है, किसका, कोकोनट नारियल का। तो यानी कि नारियल का बॉटेनिकल नेम कोकोस न्यूसीफेरा हो गया, और फैमिली एरिकेसी हो गई, और क्रोमोजोम नंबर 32 हो गया। इसका क्लाइमेट क्या होना चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन यानी जोन सब ट्रॉपिकल जोन्स में ये जो हो सकता है, यानी कि कोकोनट को सब ट्रॉपिकल जोन्स में उगाया जा सकता है। और जिसका फेवरेबल यदि क्लाइमेटिक कंडीशन यानी टेम्परेचर की बात किया जाए तो 27 डिग्री सेल्सियस पे कोकोनट को जो है उगाया जा सकता है, ठीक है, इसकी हार्वेस्टिंग की जा सकती है। अब देखिए ओरिजिन की बात किया जाए यानी उत्पत्ति स्थान, तो इंडो पैसिफिक एरिया है। इसका ओरिजिन कहाँ है, इंडो पैसिफिक एरिया। और इसके लिए सॉयल कौन सा परफेक्ट होता है कोकोनट के लिए, सॉयल रेड सैंडी लोम इसके लिए परफेक्ट सॉयल है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रोपोगेशन मेथड बाई सीड ओनली होता है, आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा कि कोकोनट का प्रोपोगेशन मेथड केवल बीज के द्वारा होता है, सीड ओनली होता है। ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स है, ये मैंने लिख रखा है, देखिए सर्किल भी कर रखा है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है ये, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसकी वेराइटीज कौन कौन सी हैं ये ज़रा सा आप लोग देख लीजिए। इसकी वेराइटीज हैं ईस्ट कोस्टल वेस्ट कोस्टल, याद करने का आसान तरीका ईस्ट वेस्ट याद कर लो, और टाल टाइप की वैरायटी है यानी लंबी पेड़ वाले यानी कि बड़े पेड़ वाले, तो ईस्ट कोस्टल और वेस्ट कोस्टल, ठीक है। दमन टाल आप लोग जानते होंगे, दमन एक जगह है अपने भारत देश में, तो दमन टाल, फिर अंडमान टाल, ये देख लीजिए अंडमान भी है अपने भारत देश में। इसके बाद ये देख लीजिए गंगा बॉन्डम इसे भी आप लोग याद रखेंगे। फिर लक्ष्य गंगा वगैरह जो है हाइब्रिड वैरायटी हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। गंगा बॉन्डम भी हाइब्रिड वैरायटी है, और चंद्र शंकरा भी हाइब्रिड वैरायटी है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कोकोनट का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।